अमित शाह के जो बेटे हैं कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन देखिए, इलेक्शन कमीशन देखिए, ब्यूरोक्रेसी देखिए, मीडिया देखिए, सारे की सारी संस्थाओं पर ये कब्जा कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट में भाषण कर रहा था, मैंने भाषण में अदानी अंबानी का नाम लिया और मुझे कहा जाता है कि पार्लियामेंट में अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया जा सकता। एयरपोर्ट पे लगाया जा सकता है, सड़कों पे लगाया जा सकता है, पोर्ट्स पे लगाया जा सकता है, हर धंधे में उनका नाम दिखाई देता है, चाहे वो सेब का धंधा हो, सब जगह उनका नाम दिखता है, मगर पार्लियामेंट में उनका नाम विपक्ष नहीं ले सकता। पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है। आप पर तो डायरेक्ट करा, सीधा आपको कहा कि भैया स्टेटहुड हम आपसे छीन रहे हैं, हम आपको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, मगर ये पूरे देश में हो रहा है। मणिपुर में देखिए, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन देखिए, इलेक्शन कमीशन देखिए, ब्यूरोक्रेसी देखिए, मीडिया देखिए, सारे की सारी संस्थाओं पर ये कब्जा कर रहे हैं और पूरा का पूरा फायदा दो तीन उद्योगपतियों को देते हैं। ये देखिए, आप नाम जानते हैं, क्या नाम है उनके? अच्छा, नई चीज बोली है। मैं पार्लियामेंट में भाषण कर रहा था, मैंने भाषण में अदानी अंबानी का नाम लिया और मुझे कहा जाता है कि पार्लियामेंट में अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया जा सकता। कमाल की बात है, एयरपोर्ट पे लगाया जा सकता है, सड़कों पे लगाया जा सकता है, पोर्ट्स पे लगाया जा सकता है, हर धंधे में उनका नाम दिखाई देता है, चाहे वो सेब का धंधा हो, सब जगह उनका नाम दिखता है, मगर पार्लियामेंट में उनका नाम विपक्ष नहीं ले सकते। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है भैया, आप कहते हो कि अंबानी अदानी का नाम नहीं ले सकता, तो कुछ तो कहना पड़ेगा, क्या कहूं उनको। तो फिर मैंने स्पीकर सर से कहा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी अंबानी का नाम ना लूं, तो फिर मैं वो उनको A1 A2 कह देता हूं, कहना तो पड़ेगा क्योंकि ये सच्चाई है। सारी की सारी चीजें, सारे के सारे बिजनेस इन तीन चार लोगों को मिलते हैं। अमित शाह के जो बेटे हैं कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। तो 6-7 लोग देश को चला रहे हैं और सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, बाकी स्टेट्स की जनता चुप रहेगी। आपने देखा होगा, चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी छाती फुला के आते थे, देखा था आपने? 56 इंच गायब हो गई ना, 56 इंच की छाती। इंडिया गठबंधन ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फिडेंस उड़ा दी, बिल्कुल उड़ा दी। वो आपको तो दूर से दिखते हैं ना, मैं तो पार्लियामेंट में उनके सामने बैठता हूं, तो मुझे तो डायरेक्ट दिखता है हो क्या रहा है। बिल्कुल पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस खत्म हो गई। जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच छाती वाले, वो है नहीं, खत्म हो गए, वो उनकी कॉन्फिडेंस गई। आज मैं आपको बताता हूं, जो ऑपोजिशन चाहता है वो इनकी सरकार करती है, दम नहीं रहा इनमें।
लैटरल एंट्री की बात की, इन्होंने कहते हैं कि भैया सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कैसे लाओगे, अमीर लोगों को कैसे लाओगे, गरीबों को आप आने नहीं देते हो, कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे, हम देखेंगे कैसे करोगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है भैया नहीं करेंगे। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है, जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे, और हम स्टेटहुड चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हम करा देंगे। लड़ाई विचारधारा की है, एक तरफ नफरत हिंसा, दूसरी तरफ मोहब्बत भाईचारा। पूरे देश में ये लोगों को बांटते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम से मुस्लिम को सिख से, सिख को क्रिश्चियन से। फिर हरियाणा में जाट नॉन जाट, मणिपुर में किसी और को लड़ा देंगे, उत्तर प्रदेश में किसी और को लड़ा देंगे, जहां भी ये जाते हैं, या एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, एक धर्म को दूसरी धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे। तमिलनाडु में जाके कहते हैं भैया आप तमिल नहीं बोल सकते, आप हिंदी बोलोगे। तो जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, और लक्ष्य है कि 2-3 लोगों को पूरा का पूरा हिंदुस्तान का धन पकड़ा दिया जाए। जनता को लड़ाओ, नफरत फैलाओ, और A1 और A2 को हिंदुस्तान के सारे बिजनेस पकड़ा दो। नोटबंदी उनके लिए की, गलत GST उनके लिए लागू की, और हमने क्या किया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। 4000 किलोमीटर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता फारूक अब्दुल्ला जी आए, इंडिया गठबंधन के लोग आए, 4000 किलोमीटर हम चले। क्यों? नफरत को मिटाने के लिए, हिंसा को मिटाने के लिए। और मैंने पार्लियामेंट में कहा डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ये खोखले हैं, इनमें कोई दम नहीं है, डरपोक है ये। 4000 किलोमीटर चले, जहां भी ये नफरत फैलाते हैं हम वहां जाके मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, और यही काम हम जम्मू कश्मीर में करेंगे। जम्मू कश्मीर को भाईचारे की जरूरत है, प्रगति की जरूरत है, और आपसे ये जो स्टेटहुड छीना गया है ये पहला कदम है।